Hello everyone, in this video I am going to explain CBW and CWD instructions of 8086 microprocessor. तो ये CBW instruction क्या है? CBW stands for किस लिए है? ये क्या meaning है? C stands for convert, B byte and W word. मतलब convert byte to word, यानि byte है, byte को word में convert करना है. वर्ड यानी क्या होता है? वर्ड होता है 8086 में 16 बिट का और बाइट कितने हैं? 8 बिट का. 8086 का वर्ड साइज क्या है? तो 16 बिट है और बाइट यानी 8 बिट. यानी 8 बिट को हमें 16 बिट में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन. कैसे करते हैं? द CBW यानी कन्वर्ट बाइट टू वर्ड इंस्ट्रक्शन एक्सटेंड्स द साइन बिट ऑफ AL, यानी AL का जो साइन बिट, यानी AL रजिस्टर, AL रजिस्टर में ही ऑपरेट होगा ये. AL रजिस्टर में जो साइन बिट है, साइन बिट कौन सा होता है? तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी D7 बिट, डिजिट 7. ये जो बिट होता है वो पूरे के पूरे AH रजिस्टर में हमें लिखना है. तो सपोज बिफोर एग्जीक्यूशन ये AL रजिस्टर है और ये AH रजिस्टर है. सपोज AL रजिस्टर में ये कोई भी एक डेटा है 1100110 और AH रजिस्टर में भी कुछ भी कोई तो डेटा है, जैसे कि है यहाँ पे 1000100. अब ये कोई भी हो सकता है. तो ये बिफोर एग्जीक्यूशन ये डेटा है. तो जब हम CBW इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें क्या होगा? ये जो साइन बिट है AL रजिस्टर का साइन बिट, AL रजिस्टर का साइन बिट कौन सा होता है? तो AL रजिस्टर का साइन बिट है ये कॉपी होगा सारे के सारे AH रजिस्टर के बिट पोजीशन पे. तो कैसे होता है ये देखिए आप. तो ये है हमारा AL रजिस्टर, ये है AH रजिस्टर. अब AL के कंटेंट्स एज इट इज रहेंगे, जो भी है वैसे ही रहेंगे और AL का जो ये साइन बिट है ये सारे के सारे यहाँ पे अगर ये वन है तो सारा सब जगह ये वन कॉपी हो जाएगा और अगर यहाँ पे जीरो है तो ये सब जगह जीरो कॉपी होगा. याद रखिए यहाँ पे अगर वन है तो ये सब जगह वन कॉपी होगा और यहाँ पे जीरो है तो ये सब जगह वन कॉपी होता है या जीरो कॉपी होता है. तो फिर से एक बार देखिए कैसे होता है. ये है AL रजिस्टर, AH रजिस्टर के कंटेंट्स बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होता है? तो ये जो साइन बिट है हर जगह पे वन है तो यहाँ पे ये वन वन हो जाएगा. तो ये है इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट बाइट टू वर्ड, यानी ये जो बाइट था ये AL रजिस्टर में जो बाइट था उसको एक्सटेंड किया और इसका वर्ड बना दिया. अब पूरा का पूरा वर्ड साइज क्या है? ये AX रजिस्टर में यानी AH और AL के कॉम्बिनेशन में जो है वो क्या है? 16 बिट का 8086 का वर्ड अभी अवेलेबल है. अब दूसरा इंस्ट्रक्शन है CWD. अब ये C फिर से किस लिए है? कन्वर्ट, W फॉर वर्ड एंड D फॉर डबल वर्ड. अभी वर्ड को डबल वर्ड में कन्वर्ट करना है. अब 8086 का वर्ड साइज क्या है? तो 16 बिट है. फिर डबल वर्ड क्या होगा? तो 16+16 यानी 32 बिट में कन्वर्ट करना है. यानी कन्वर्ट वर्ड टू डबल वर्ड इंस्ट्रक्शन क्या करती है? तो 16 बिट का जो वर्ड है उसको 32 बिट में कन्वर्ट करती है. अब ये कौन से रजिस्टर पे ऑपरेट होता है? तो ये जो कन्वर्ट डब्ल्यू डी इंस्ट्रक्शन है या सी बी डी इंस्ट्रक्शन है ये सिर्फ AX AL DX रजिस्टर पे ही ऑपरेट होते हैं. इसमें हम लोग यहाँ पे कोई भी ऑपरेंड नहीं लिखते हैं. ऑपरेंड नहीं लिखना है क्योंकि उसके रजिस्टर्स फिक्स है. ओके, तो क्या करेगा ये इंस्ट्रक्शन? कॉपीज द साइन बिट ऑफ वर्ड AX. अभी ये AX रजिस्टर का वर्ड साइन बिट यानी अभी AX रजिस्टर में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा ये कॉपी करेगा. कहाँ पे? तो पूरे DX रजिस्टर में कॉपी करेगा. अब ये सपोज DX रजिस्टर के कंटेंट्स है, ये बिफोर एग्जीक्यूशन, ये DX रजिस्टर है, ये D0 बिट है और ये D50 है, D15 है. DX रजिस्टर यानी यहाँ पे ये है हमारा DL रजिस्टर और ये होता है DH रजिस्टर यानी D रजिस्टर लो एंड D रजिस्टर हायर बाइट. तो ये है अभी पूरा का पूरा हमारा 16 बिट का वर्ड. और सपोज AX रजिस्टर में क्या है? तो AX रजिस्टर में भी कुछ तो कंटेंट्स अवेलेबल है और DX रजिस्टर में कोई भी कंटेंट्स अवेलेबल हो सकते हैं. फिर अभी आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा? जब हम CWDE भी बोलते हैं, इसको CWD बोलते हैं 8086 में, तो क्या होगा? ये जो है अभी AX रजिस्टर, ये हमारा AX रजिस्टर था, AX रजिस्टर का
साइन बिट, एक रजिस्टर का साइन बिट यानी इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी ये जो D15 बिट है इसका, ये हमें कॉपी करना है। कहाँ कॉपी करना है? तो ये जो DX रजिस्टर है, ये हमारा DX रजिस्टर, ये DL और ये DH, यानी ये जो ऊपर हमने ड्रॉ किया, ये DL और DX में सब में ये कॉपी करना है। जो भी, अगर यहाँ पे वन है तो हम हर जगह वन कॉपी करेंगे, और यहाँ पे जीरो है तो हम हर जगह क्या करेंगे, जीरो कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे वन है तो हमने क्या किया, हर जगह वन कॉपी किया, और अब हमें डबल वर्ड मिला। एक वर्ड जो है 16 बिट का एक्स रजिस्टर में है, और दूसरा वर्ड 16 बिट का डी एक्स रजिस्टर में है। और इस तरह से हम ना हमारा जो ये ए एक्स में जो एक सिंगल वर्ड था उसको हमने कन्वर्ट किया। कैसे किया? तो यहाँ पे हमारा ए एक्स में जो था वो तो है ही, और फिर यहाँ पे हमने उसको एक्सटेंड किया इन डी एक्स। तो यहाँ पे हमें मिले हैं ये 16 बिट, फिर इसके 16 बिट, और हमारा टोटल हो गया है 32 बिट का डबल वर्ड रेडी। इनिशियली कितना था? तो सिर्फ ए एक्स था 16। तब ये डीएल में कुछ तो डेटा हमेशा कोई भी रजिस्टर में होता है, लेकिन हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते। लेकिन जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया तो हम उसे टुगेदर कंसीडर करेंगे, ए एक्स डी एक्स, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ ए एक्स रजिस्टर। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डी एक्स रजिस्टर में भी ही होगा, यहाँ कोई बी एक्स नहीं आता है, कोई सी एक्स रजिस्टर नहीं आता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दीज टू इंस्ट्रक्शन। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।